This is Arvind Kumar and welcome to the Raghubans Convent School online classes. Dear students, नया साल start हो चुका है और I hope आप सभी का नया साल अच्छा रहे, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशी मिले, बहुत सारा ढेर सारी सेहत मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए dear students, नए साल में अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर जो स्टार्ट होने कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है द सोइल। चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, पेज नंबर 95, द सोइल। आज हम सोइल के बारे में पढ़ेंगे। सोइल क्या होती है? मृदा, जिसको हमने हिंदी में बोलते हैं मृदा, मतलब मिट्टी, जमीन। तो जमीन क्या होती है, जमीन बनती कैसे है, क्यों जमीन हमारे लिए जरूरी है, कुछ बातें तो इसमें आप जानते ही होंगे कि जमीन हमारे लिए जरूरी क्यों है। जमीन नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे, है ना, हम घर कैसे बनाएंगे। चलिए हम घर तो बना लेंगे, पत्थर पे ही बना लेंगे, मिट्टी नहीं होगी तो, लेकिन खेती हम कैसे करेंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे क्योंकि पत्थर पे तो पेड़ पौधे उग नहीं सकते, है ना, पेड़ पौधे तो मिट्टी में उगते हैं या फिर पानी में उग सकते हैं, है ना। तो लेकिन पानी में कहाँ तक उगेंगे, पानी में पौधे हो सकते हैं, पेड़ थोड़ी ना बन सकते हैं वो। तो ये सब चीजें, इसके लिए मिट्टी जरूरी है। तो चलिए अपनी बुक्स ओपन करिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, सोइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी कैसे बनती है, फंक्शन ऑफ द सोइल, सोइल के क्या क्या काम है, यूजेस ऑफ सोइल, कंपोजिशन ऑफ सोइल, किस किस से मिट्टी बनकर बनी होती है, सोइल प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल मतलब लेयर ऑफ सोइल्स, इसको हम सोइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। टाइप ऑफ सोइल्स, मिट्टी की जो कितने तरह की मिट्टी होती है उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ने वाले हैं परकोलेशन रेट्स ऑफ वाटर इन सोइल्स, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग परकोलेशन रेट, ठीक है, मतलब मिट्टी में पानी ढूंढने की जो प्रोसेस है ना? और हम पढ़ने वाले हैं सोइल द ग्रेटेस्ट नेचर रिसोर्स, सोइल जो हमारा है कि वो ग्रेटेस्ट नेचर रिसोर्स है, ठीक, नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी जरूरत क्यों है हमको, सोइल इरेशन क्या है, ठीक है, और सोइल कंजर्वेशन। तो सोइल इरोशन क्या होता है, सोइल इरोशन को हिंदी में बोलते हैं हम मृदा अपव्यय, अपव्यय मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, सोइल लाइक एयर एंड वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्स वो चीज होती है जो हमको, जो हमें नेचर से मिलती है, ठीक है, सोइल हमको नेचर से मिली है, एयर हमको नेचर से मिली है, ठीक है, तो पेट्रोल हमको, मतलब जो पेट्रोलियम होता है वो हमको एयर से मिलता है, सनलाइट हमको एयर से मिलती है, तो ये सब चीजें जो है वो हमको, पानी हमको नेचर से मिलता है, तो ये सब चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए। सपोज कीजिए कि अगर पानी नहीं हो तो क्या हम कैसे जिंदा रहेंगे, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं हो या फिर एयर नहीं हो तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे, सनलाइट नहीं हो तो देखिए हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा, मतलब कैसे हमारे लिए खाना वगैरह, ये सब जंगल जो आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये सब जरूरी है। तो नेचर हमारे लिए बहुत कुछ देती है, जो नेचर हमको देती है उनको हम नेचर रिसोर्स बोलते हैं। नेसेसरी फॉर लाइफ एंड अर्थ, बहुत जरूरी है जीवन के लिए दुनिया में, मतलब पृथ्वी पर, अ गुड पार्ट ऑफ लैंड इज अर्थ इज रॉकी एंड रेस्ट इज कवर्ड विद सोइल, मतलब कुछ जो पार्ट है वो रॉकी है, रॉकी मतलब चट्टानों से ढका हुआ है, और कुछ है वो कवर्ड है विद सोइल, मतलब कुछ मिट्टी से बना हुआ है। सोइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली एंड बाय सप्लाइंग them with water and minerals needed. हमने बात की थी सोइल क्यों जरूरी है, सोइल पानी जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं,
उनको होल्ड करके रखती है, उनकी जड़ों को होल्ड करके रखती है, उनको न्यूट्रिशंस और वाटर सप्लाई करती है। सोइल इज ऑल्सो अ होम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। जो सोइल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, घर है उनका, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है। ये कहाँ पे मिलते हैं? सोइल में मिलते हैं। सोइल बीटल्स, आंट्स, अर्थवर्म्स, सेंटीपेड्स, टर्मिट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द बेसिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर लाइफ सच अ फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर फूड ऑफ द और अदर एनिमल्स। मतलब कुछ जानवर जो है, ऐसे चींटियां हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए वो क्या है, किसी के लिए घर है, कहीं किसी के लिए वो फूड देती है, कहीं किसी के लिए वो सारी चीज देती है, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी बहुत जरूरी है। सोइल फॉर्मेशन, अब सोइल फॉर्मेशन होता क्या है? सोइल फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझिए कि जब हम सोइल की बात कर रहे हैं, हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सोइल, इवन सोइल फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सोइल फॉर्मेशन एक ऐसा मतलब इतना वो है कि सोइल जो है ना, अगर आप इसको देखिए, 1 इंच सोइल अगर आप देख रहे हैं, सोइल मतलब 1 इंच मिट्टी अगर आप देख रहे हैं, 1 इंच कितना हो रहा है, सपोज इतना है ना, इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता होगा। तो इतनी सी मिट्टी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपके इधर में, आपके आसपास में, तो उसको बनने के लिए लाखों साल लगे हैं, जो लाखों साल, लेक्स ऑफ ईयर लगे हैं, ठीक है। तो एक दिन का कोई काम नहीं है, एक साल का कोई काम नहीं है, एक सैकड़ों साल का भी काम नहीं है, लाखों साल का काम है। सोइल फॉर्मेशन लाखों साल में होता है। अब ये होता कैसे है, तो उसके लिए समझिए सोइल फॉर्मेशन, इसके जो हम पढ़ने वाले हैं सोइल फॉर्मेशन के कैसे कैसे होता है, तो समझिए। पहले तो ये है कि पहले हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सोइल। अपर लेयर जो होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है, उसको हम अर्थ सॉइल बोलते हैं। इन यूजली कंपोनेंट ऑफ थिन लेयर्स ऑफ मिनरल्स विच इंक्लूड सैंड्स, मड्स, रॉक्स, पार्टिकल्स एंड लेयर्स ऑफ डेट एंड डेकायड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स कॉल्ड ह्यूमस। मतलब ये है कि सैंड जो होती है, रॉक्स के जो पार्टिकल होते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां सड़ के गल जाती हैं, वो जमीन पर पड़े रहती हैं, ठीक है। हम लकड़ी जलाते हैं, उससे राख जो बनती है वो हम उसमें सोयल में मिल जाती है, तो इस तरह से वो सोयल बनती है इन सब चीजों में के, है ना। और भी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज कीजिए कि आपके बाल हैं, बाल आपने काट दिए और फेंक दिए, तो वो किसे मिल जाएंगे? मिट्टी मिल जाएंगे, वो सड़ते गलते रहेंगे, उससे वो सॉइल बन जाएगी, है ना। तो मतलब ये है, सॉइल बहुत सारी चीजों से मिट्टी बनी होती है। सॉइल फॉर्मेशन है स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा धीमी प्रोसेस है, और स्टेप वाइज होती है। इट्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर अ लेयर ऑफ सॉइल जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर थिन। मतलब ये कि कुछ सेंटीमीटर मोटी मिट्टी बनने के लिए, मिट्टी की जो लेयर है उस बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, सॉरी हजारों साल लग जाते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड प्रोसेस कॉल्ड बैथरिंग। और जो जो मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, बैथरिंग बोलते हैं। कैसे? जो कि प्रोसेस, जो रॉक्स जो कंटिन्यू ब्रेक होती रहती है, मिस्त्री रहती है उनको, बैथरिंग इज अ डी इंटीग्रेशन ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड अर्थ सरफेस कॉजेज ऑफ बाय एक्सप्लोर ऑफ नेचर प्रोसेस सच एज विंड, वाटर फोर्स, वाटर ऑफ प्लांट्स। वेथरिंग इज टू टाइप, फिजिकल और केमिकल। कैसे होती है वेथरिंग? पानी बरसा, पानी पत्थर पे गिरा, वहां से चमकती थोड़ी सी रेत, उससे निकल गई वो फॉर्मेशन जो होता है, टूटती रहती है। आपने देखा होगा कभी कभी चट्टानें टूटती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सनलाइट के थ्रू, हवा के थ्रू, है ना, बारिश के थ्रू, वो सब सॉइल फॉर्मेशन होता है। अब ये दो तरह का होता है, एक केमिकल होता है और दूसरा फिजिकल होता है, ठीक है। तो केमिकल क्या होता है? इन दिस प्रोसेस रॉक एंड ब्रोक डाउन द स्मॉलर पीस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो चट्टान होती है वो छोटी छोटी उसमें टूट जाती है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस एंड
डस नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ ओरिजिनल रॉक। इसमें क्या होता है कि जो जो चट्टान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रॉक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही सारे गुण किसमें होंगे, उस मिट्टी में होंगे जो उसमें बनी है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बेहतरीन बोलते हैं। मतलब ये कि उसका फिजिकल, मतलब उसका जो फिजिकल शेप है वो चेंज हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है एज इट इज है। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास क्या, केमिकल बेहतरीन। केमिकल बेहतरीन क्या होता है, इट इज प्रोसेस इन विच एग्जिस्ट मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल्स कंपोनेंट। जो एग्जिस्ट मतलब जो उसमें उस टाइम में मौजूद जो होते हैं मिनरल्स, वो नए मिनरल्स कंपोनेंट के साथ घुल जाते हैं और उनके साथ नए कंपोनेंट बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस द केमिकल नेचर ऑफ रॉक सेंस वाटर इज वन ऑफ द मेन अगेंस्ट ऑफ केमिकल बाथरिंग। ठीक है, एजेंट अगेंस्ट नहीं, एजेंट। तो इसमें पानी का ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। द प्रोसेस ऑफ वाथरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेज। हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वाथरिंग में भी फिजिकल और केमिकल कॉजेज लार्ज पीस ऑफ पार्क रॉक नियर टू सरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉलर वंस। मतलब जो बड़े बड़े जो आप पहला उसमें देखिए, ये जो पहला है, पहला डायग्राम है, ठीक है, उसमें क्या है, बड़े बड़े रॉक्स हैं, उस पर सनलाइट पड़ रही है, उस पर बारिश हो रही है, और वो कुछ छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे उसमें टूट गया है। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड में वो क्या हुआ है, उससे और छोटे छोटे उसमें टूट गया है, देखिए। और थर्ड में क्या है, थर्ड में वो क्या हुआ है, लेयर्स कॉल्ड हॉरिजॉन्स, वो उसमें सी हॉरिजॉन्स इनको बोलते हैं अपन, उसमें वो छोटे छोटे उसमें वो बारीक हो गया। मिनरल्स एंड साल्ट्स सीड्स ड्रिप इनटू द ग्राउंड अलोंग विद द वाटर ऑफ कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड मेक अ फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। और उस तरह से वो होता है कि वो जो ऊपरी जो लेयर है उसकी, वो प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो जाती है, मतलब उसमें पेड़ पौधे उग सकते हैं, उसके लिए वो फेवरेबल हो जाती है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सोइल के बारे में बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट का बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सोइल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप इसको एक बार फिर से लिख कर लीजिए, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीजें तो समझ नहीं आ रही, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉपीज कंप्लीट करते रहिए और कॉपीज टाइम टू टाइम ग्रुप में डालते रहिए, मैं आपको नोट शेयर करते रहूंगा। ठीक है, कॉपीज के लिए मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।